हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ी थी एक अपनी केशवदास की व्याख्या में कि उन्होंने गणेश स्तुति की थी अपनी रामचंद्र जी का महाकाव्य की शुरुआत में ही, और कहते हैं हम गणेश की स्थापना से ही, गणेश के कार्य स्तुति से ही सारे काम हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बच्चे के रूप में गणेश जी है, हाथी के बच्चे के समान हमारे सारे ही दुख, हमारे सारी ही विपत्तियां हैं वो नष्ट कर देते हैं। जिस तरह से एक हाथी का बच्चा है अपने पाँव के धक्के से कीचड़ को पाताल में भेज देता है, वैसे ही वो हमारे कष्टों, दुखों और विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। अगली व्याख्या हम चलेंगे, उन्होंने अपने महाकाव्य रामचंद्रिका में सरस्वती वंदना की है और ईश वंदना से ही महाकाव्य शुरू होता है। तो उन्होंने सरस्वती वंदना में बताया है, पहले हम देख लेते हैं पढ़ करके, कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न के हो गई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ना बखानी का हुपे गई, पति वर्णे पांच चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाते वर्णे सठ मुख, तदपि नई नई। यानी कितने ही वेदों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने, सिद्धि तपस्वी गणों ने, वृद्धजनों ने, हमारे भूत भविष्य और वर्तमान ने, कितने ही कालों में, कितने ही लोगों ने, कितने ही ग्रंथों ने सरस्वती की स्तुति या वंदना की, और फिर भी वो वंदना हमेशा ही नहीं लगती है, यानी उनकी स्तुति फिर भी कम ही पड़ जाती है। ये उनमें इसमें मूल रूप से इसका प्रसंग होगा। तो यहाँ पर है बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई। केशवदास कवि कहते हैं कि देवी सरस्वती जी संसार की पूज्या हैं, उनकी महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। बानी जग रानी, वाणी की जो जगतदात्री देवी हैं, उनकी उदारता का बखान किस तरह से किया जा सकता है, तो उनका महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। इस संसार में सरस्वती के समान ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। तो कहते हैं कि इस संसार में इस तरह से उनकी उदारता का बखान कर सके ऐसी उदित, ऐसे संसार में उचित बुद्धि या ऐसे संसार में उत्कृष्ट बुद्धि किसकी हुई है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, यहाँ संसार में समान समृद्ध अर्थात प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है जो कि उनकी महिमा का वर्णन कर सके। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता ख्याति प्राप्त सिद्धि ऋषिगण, कहते हैं देवता प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धिगण, प्रसिद्ध तपस्वी महर्षि ऋषिराज और बड़े 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 बूढ़े तपस्वी भी इसका गुणगान करते हुए थक कर हार गए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, देवता प्रसिद्ध प्राप्त तपस्वी सिद्धि प्राप्त तपस्वी ऋषिगण और सारे बड़े बुजुर्ग कही कही हारे सब कही न केहू गई, सारे ही इसकी स्तुति कर कर के हार गए, लेकिन उचित स्तुति उचित यशोगान किसी से भी नहीं किया गया। पर आगे है, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, पर इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सके। तो बीते हुए काल में भी लोग इसकी प्रशस्ति गाते थे, तो भावी यानी भूतकाल में, भावी मतलब वर्तमान भविष्य में भी, और गाते रहेंगे वर्तमान में, भावी भूत भूतकाल में भी इसकी यशोगान गाते रहे हैं, और वर्तमान में भी धरती के मानव इनकी प्रशंसा करते रहे हैं और भविष्य में भी इसकी प्रशंसा आगे करते भी रहेंगे। तो फिर भी कोई अभी तक उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है, यानी भविष्य काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में जगत बखानत है, संसार इनका यशगान करता है। केशवदास केहू न बखानी का हो पे गई, लेकिन केशवदास कवि कहते हैं किसी से भी उचित उस यशोगान का या उसकी उदारता का वर्णन है वो नहीं किया गया। पति बढ़ने चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती बढ़ने सठ मुख, तदपि नई नई। इसके पति अर्थात ब्रह्मा ने अपने चार मुखों से, इनके पुत्र शिव जी ने अपने पांच मुखों से तथा इनके नाती कार्तिकेय ने अपने छह मुखों से इनकी महिमा का वर्णन किया, इनकी उदारता का वर्णन किया, लेकिन फिर भी इनकी उदारता नित्य नई प्रतीत होती हैं। तो नाती बनने सठ मुख तदपि नई नई, फिर भी वो नई ही लगती है, अर्थात वाणी की देवी सरस्वती की उदारता वर्णनातीत है, वर्णन के परे है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, संबंधातिशोक्ति अलंकार है,
विशेषोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति है और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें पुत्र रूप में शिव जी, नाति रूप में कार्तिकेय का उल्लेख पौराणिक न होकर कवि कल्पना सिद्ध है। अब अगर हम कह दें इनका पुत्र है शिव जी तो नाति फिर कार्तिकेय कैसे होगा, ये कवि की कल्पना है, हम इसको ऐतिहासिक नहीं मान सकते, इसको हम पौराणिक नहीं कह सकते, इसके हम विवाद में नहीं पढ़ सकते, ये कवि की कल्पना है। तो हमने ये व्याख्या की बच्चों, अब आगे हम कल करेंगे।